के बाद जल्दी से मध्य प्रदेश पे भी नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश के गुना में मजदूरों को लेकर जा रहे ट्रक की एक खाली बस से देर रात टक्कर होने के बाद 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में 40 मजदूर घायल भी हो गए। ये सभी मजदूर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोचिए कितना भयावह रहा होगा ये हादसा, ये टक्कर। एक खाली खड़ी हुई बस से वो ट्रक टकरा गया जिसमें 50 से लेकर 52 के करीब मजदूर सवार थे और टक्कर इतनी जोरदार थी, 8 मजदूरों की मौत हो गई और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कई मजदूर घायल हैं। तो इस तरह की स्थिति, इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है? गुना बाईपास पे गंभीर एक्सीडेंट का मामला हुआ है, उसमें बॉम्बे से यूपी उन्नाव रायबरेली जिले के लिए आयसर बस में जा रहे थे मजदूर लोग, और एक बस ग्वालियर से अहमदाबाद के लिए जा रही थी। तो गुना बाईपास पे एक्सीडेंट, दोनों आपस में टकराने से एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें जो मजदूर बैठ के आ रहे थे उसमें 8 मजदूरों की अभी तक डेथ हो चुकी है और 54 लोगों की चोट लगने से इलाजरत है जिला अस्पताल गुना में, जिनका उपचार लगातार चल रहा है, डॉक्टर टीम द्वारा की जा रही है। बिहार के समस्तीपुर में नेशनल हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लेकर आ रही बस की ट्रक से टक्कर हो गई। इसमें बस के ड्राइवर और बस में सवार एक मजदूर की मौत हो गई। इस हादसे में घायल लोगों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि हादसे का शिकार हुई बस करीब 32 मजदूरों को लेकर आ रही थी। तो इस तरह का मंजर हर राज्य से सामने आता हुआ। और इस बीच पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने पीएम केयर्स फंड के जरिए लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की मदद पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने कहा है, पीएम केयर्स ने प्रवासी मजदूरों के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कृपया सामान्य गलती ना करें, पैसा प्रवासी मजदूर को नहीं दिया जाएगा बल्कि उनकी यात्रा, आवास, चिकित्सा और भोजन के खर्चों को पूरा करने के लिए दिया जाएगा राज्य सरकारों को, लेकिन प्रवासी मजदूरों के हाथ में कुछ नहीं आएगा। आइए प्रवासी मजदूरों की मदद करें जो सभी बाधाओं को पार कर अपने गांव लौटा है। गांव में कोई रोजगार नहीं है, उसके पास कोई काम, कोई आमदनी नहीं है, वो कैसे जीवित रहेगा और कैसे अपने परिवार की मदद करेगा? तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और इस बीच आपको बता दें कि देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच दिल्ली से कल शाम मुंबई के लिए चली स्पेशल ट्रेन 1500 लोगों को लेकर आज सुबह मुंबई सेंट्रल पहुंची। जो यात्री मुंबई पहुंचे हैं उनको लेकर हर सेफ्टी और सावधानी बरती जा रही है। यहां पहुंचने वाली ट्रेन से आने वाले सभी लोगों के हाथों में मोहर लगाकर उन्हें घर में क्वारंटीन करने के लिए कहा गया है। दिल्ली से चल के ट्रेन जो है वो मुंबई सेंट्रल पहुंच चुकी है और आप देखिए सामने आप